कैंट थाना क्षेत्र के सिंघाड़िया मॉडल शॉप के पास से रहने वाले ज्वाला निषाद को शुक्रवार को शाम 5 बजे जिम के बाहर से 5 लोगों ने कार से अपहरण कर लिया तथा असलहे के बल पर युवकों ने उसे 4 पहिया गाड़ी में बैठा लिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने ज्वाला के घर वालों को जानकारी दी। घर वालों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़क को जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर 3 थानों की फोर्स के साथ पहुंचे एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने लोगों को रास्ता खाली करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी हटने को तैयार नहीं था। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को कूड़ाघाट निवासी एक युवक की जानकारी हुई जो कि अपहरण में शामिल था। पुलिस ने उसके परिजनों पर दबाव बनाया, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने सहारा स्टेट के पास ज्वाला निषाद को छोड़कर फरार हो गए। इसकी जानकारी के बाद पुलिस उसे लेकर सिंघाड़िया आई, तब जाकर लोगों ने सड़क जाम समाप्त किया। बाद में ज्वाला को लेकर पुलिस कैंट थाने पर गई। कैंट थाने में ज्वाला की तहरीर पर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 12 जुलाई को ज्वाला और उसके दोस्त की मॉडल शॉप संचालक के साथ मारपीट हुई थी। मॉडल शॉप संचालक की तहरीर पर केस दर्ज होने के बाद वह जेल गया। बुधवार को ही जमानत पर छूटकर आया था। शुक्रवार को शाम को अपहरण की हुई घटना को इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि तहरीर के आधार पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तार कर खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर के कैंट थाना अंतर्गत सिंघड़िया क्षेत्र में मॉडल शॉप के बाहर 12 तारीख को एक मारपीट की घटना हुई थी। उसी घटना के सिलसिले में आज उस घटना का अभियुक्त ज्वाला निषाद अपने घर से जिम की तरफ जा रहा था। जिम के बाहर से उसका 5 लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिसमें एक कंस्पिरेटर है और 4 लोग हैं जो घटना में शामिल थे। उसके बाद में वो उसको कोराबार एवं रामगढ़ ताल क्षेत्र में लेके गए। घटना की सूचना उसके परिचित ने पुलिस को दी, तो पुलिस ने तत्काल गाड़ी नंबर से ट्रेस करते हुए एक अभियुक्त के घर पे दबिश दी और इस दबिश की सूचना मिलते ही उन्होंने अपहृत व्यक्ति को रामगढ़ ताल के नौगायन क्षेत्र में छोड़ दिया। एवं उसके बाद में पुलिस इस पड़ताल में जुटी है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इसका अपहरण किया है, एवं जल्द ही इस घटना का सफल अनावरण कर अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में कैंट थाना अंतर्गत एक मुकदमा 364, 323, 504, 506 एवं 120B का दर्ज किया गया है।